डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास में जो साइंस में पढ़ रहे थे वो था चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लास में किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, क्योंकि हम ये भी बोल चुके हैं पिछले क्लास में कि कोई भी रासायनिक अगर असंतुलित समीकरण रहेगा, यानी कि कंकाली रहेगा, क्योंकि असंतुलित को हम लोग कंकाली भी बोलते हैं, तो उसको हम लोगों को क्या कर देना अच्छा रहता है, तो उसको संतुलित रूप में कर देना अच्छा रहता है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ऐसा हम लोग लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, आखिर क्यों हम लोग संतुलित करते हैं। तो आगे टॉपिक बनाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व ये टॉपिक बना लेंगे, उसके नीचे फर्स्ट कर देंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम से यह पता चलता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह पता चलता है कि अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, सृजन न तो सृजन होता है और न ही विनाश, और न ही विनाश। अतः अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अतः कंकाली या असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अतः कंकाली या असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या समझें। देखिए, अगर कहीं भी सवाल आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, या फिर रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, है ना, तो आप उनको बोलिएगा जो पूछेगा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि किसी भी द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि न ही उसे बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो यही कारण है कि रासायनिक समीकरण में जो तीर के निशान होते हैं, इसके बाईं ओर को बोला जाता है अभिकारक और इधर उत्पाद या प्रतिफल, तो दोनों तरफ के परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो उसके जो अभी एरो दिए उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे ZN प्लस H2SO4
गिब्स Zn(SO4) प्लस H2। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा हम लोग चेकआउट करेंगे। कोई भी समीकरण को आज के बाद हम लोग को समझना चाहिए कि अगर असंतुलित रहेगा तो उसे हम लोग को क्या कर देना आवश्यक है, तो संतुलित रूप में करना बहुत आवश्यक है। जैसे Zn यहाँ जिंक कितना है, एक, इधर भी जिंक एक, हाइड्रोजन दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो, चलिए बढ़िया। सल्फर यहाँ एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार। तो यहाँ पे लिख देंगे यह संतुलित समीकरण है, यह संतुलित समीकरण है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व हुआ। तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि किसी भी द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि न ही बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो यही कारण है कि तीर के निशान के बाईं ओर यानी कि अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। अतः हमें किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। चलिए उसके बाद हम लोग उसके नीचे एग्जाम्पल जो लिखे उसके नीचे नोट में कुछ करके बात लिखेंगे। नोट में लिखेंगे कभी 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 अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे जैसे ताप कौमा दाब, ताप कौमा दाब आदि को उत्प्रेरक के रूप में तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। देखिए ये नोट में जो करके बात हम लोग लिखे ना, ये हम लोगों को हायर एजुकेशन यानी कि हाई क्लास में मिलेगा। जैसे आप ट्वेल्थ में जाएंगे ना तो अक्सर आप ऐसी अभिक्रिया देखेंगे, लेकिन हम लोगों को टेंथ में ये जानना ज़रूरी है कि कुछ अभिक्रियाएँ वैसी भी होती है। जैसे उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे मान लिया CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं इसको, ठीक है, प्लस 2H2 गिव्स CH3OH, ठीक है। यहाँ पे संतुलित समीकरण है, आप मिला लीजिए, कार्बन एक है, यहाँ एक है, इसीलिए दो से गुना किया गया। इस समीकरण में दो से गुना क्यों किया गया, क्योंकि संतुलित किया हुआ है, हाइड्रोजन तीन और एक चार, यहाँ पे भी चार, कार्बन एक, ऑक्सीजन एक। अब यहाँ पे हम लोग को तो अभिक्रिया ऐसे सीखे हुए ना भाई, हम लोग तो अभिक्रिया ऐसे सीखे हुए हैं। अब ये अभिक्रिया हायर एजुकेशन में ऐसे मिलेगा 340 ATM, कहाँ लिखा रहेगा, तो जो एरो का निशान थोड़ा सा मेरे से छोटा हो गया, आप बड़ा दे दीजिएगा, ऐसे ऐसे लिखा रहता 340 ATM। देखिए अब कभी भी आप ये समझिए कि अगर कोई रासायनिक समीकरण लिखा रहे और उसके एरो के ऊपर या फिर नीचे कुछ लिखा रहता है चीज़, उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है। और ये वाला चीज़ें हम लोगों को टेंथ क्लास में अभी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए नोट में हम लोग करके बात लिखें कि कभी कभी क्या होता है ना, रासायनिक समीकरण को दिखाने के लिए जो तीर का निशान है ना, ये तीर का निशान में भी ऊपर भी कुछ ताप की 10 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन या 340 ATM दाब पर ये अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो कुछ कंडीशन होती है कि आखिर वो अभिक्रिया तभी करेगा जब उतना ताप होना चाहिए, उतना दाब होना चाहिए, है ना। तो यही कारण है कि कुछ अभिक्रिया हैं, इसलिए हम लोग जो ताप या दाब को दिखाते हैं वो तीर के ऊपर भी दिखा सकते हैं या नीचे भी दिखा सकते हैं। हालांकि ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है, हायर एजुकेशन क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे लिख दीजिएगा CO प्लस 2H2 और तीर के ऊपर लिख दीजिएगा 340 ATM। ATM क्या है, तो दाब का ऐसा मात्रक है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल भी होता है फिजिक्स के लिए, लेकिन केमिस्ट्री के लिए ATM होता है, ठीक है,
ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दूसरा में 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स 1 सूर्य का प्रकाश, नीचे लिख सकते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, देखिए आप इन चीज़ों को, हम यहाँ पे ये 6 और 12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग डायरेक्ट संतुलित अवस्था में इसको लिख रहे हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तीर का निशान है इसके ऊपर कुछ लिखा है, सूर्य का प्रकाश लिखा है, क्लोरोफिल, तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्त इसकी को तो हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, इसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक के रूप में लिखा जाता है। ये आपको अभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग अभी जान गए कि ऐसा भी अभिक्रिया लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी अभिक्रिया लिखा हुआ हो सकता है और हम लोग को ऐसा मिलेगा आने वाले अगले क्लास में। हालांकि अभी हम लोगों को ऐसी अभिक्रिया नहीं पढ़ना है जिसपे तीर के ऊपर नीचे कुछ लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा सूर्य का प्रकाश, यहाँ क्लोरोफिल, तो भाई ये क्या है, सूर्य का प्रकाश ताप हुआ ना, तो ताप दाब कुछ और भी परिस्थितियाँ लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ था कि ये जो अभिक्रिया तभी करेगा जब क्या आएगा, तो सूर्य का प्रकाश आएगा। जैसे मान लिया कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश ना, तो यही पेड़ पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है वो सूर्य के प्रकाश में मिलता है, तभी ये वाला फार्मूला ग्लूकोज का है, तभी उनको एनर्जी प्राप्त होता है। तो C6H12O6, तो यह प्रक्रिया कब होती है, सूर्य के प्रकाश में होती है, और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल होता है, और इसीलिए पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो है हरी होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ हरी क्यों होती है, तो राइट आंसर इज क्लोरोफिल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ 6 CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल यहाँ पे उत्प्रेरक दिया जा रहा है, तो ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसीलिए हम लोग को पेड़ पौधे से ऑक्सीजन भी मिलता है एंड वाटर, ठीक है, रिलीज होता है। तो ये दो एग्जाम्पल सिर्फ हम लोग कर लेंगे, इन चीज़ों को याद नहीं करना, सिर्फ समझ जाना कि हम लोग को अभिक्रिया ऐसा भी हो सकता है। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग साइंस में उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि एनसीईआरटी के बीच में भी प्रश्न होता है, पता है ना आपको। तो चलिए एनसीईआरटी के बुक से हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसके क्वेश्चंस को भी करना अति आवश्यक है। तो चलिए अब प्रश्न लिखा जाए, प्रश्न किसका, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, बुक के बीच में का सवाल है। तो पहला सवाल क्या है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जरूर क्वेश्चंस को लिखेंगे फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। चलिए, आपको याद होगा दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि जब मैग्नीशियम को अगर वायु में दहन किया जाए तो मैग्नीशियम का चूर्ण प्राप्त होता है, और वो चूर्ण प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। यानी कि हम लोग को पता है कि जब भी कोई भी मैग्नीशियम रहेगा, अगर उसको वायु में दहन किया जाए, हवा में उसको जलाया जाए, तो मैग्नीशियम का क्या होगा, चूर्ण प्राप्त होगा, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं। आज हम लोग का सवाल वही बोल रहा है कि आखिर एक मैग्नीशियम रिबन को, देखिए जैसे हम लोग रिबन को बाल बांधने में यूज करते हैं ना, वैसी एक पतली पट्टी होती है, ये रहा मैग्नीशियम। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम को अगर हमें हवा में जलाना हो, तो दोस्तों आप ये समझो कि जैसे आप मिट्टी तेल, कोई भी लकड़ी है उस पर मिट्टी तेल छिड़क कर और आप लगाते हो, आग तो तुरंत पकड़ लेता है ना फ्यूल के वजह से, तो उसी तरीके से मैग्नीशियम में वह गुण पाया जाता है कि आप डायरेक्टली इसको हवा में, सिर्फ मैग्नीशियम को ले जाओ और यहाँ से माचिस की तीली में
आग पकड़ा दो, ये आग लग जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कभी-कभी होता क्या है ना कि मैग्नीशियम को में आग लगाएंगे हवा में ले जाकर तो नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। मैग्नीशियम रिबन को रगड़ रगड़ के पहले साफ किया जाता है। जैसे मान लिया मैग्नीशियम ये है, ठीक है, अब हम लाए हैं मैग्नीशियम कहीं लेबोरेटरी से या मार्केट से, जहाँ पे भी मिलेगा। अब वहाँ पे हम इसको माचिस लगाएंगे, दैट इज मैग्नीशियम, तो ये कभी कभी नहीं जलता है। कारण क्या है ना, क्योंकि इसके ऊपर एक उजला परत, जैसे कि आप पढ़ता है ना लोहे में जंग लगता है, लोहा में जैसे हम लोग बोलते हैं ना जंग लगता है, या फिर चितिया जाना लोहा का, वैसे ही इस मैग्नीशियम के ऊपर भी एक उजला परत चढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को उस उजले परत को साफ करके ही आग लगाया जाता है। अब ये जो उजला परत ऑटोमेटिक आ जाता है, वो उजला परत आ गया तो वो क्या करता है, उसमें आग लगने से रोकता है मैग्नीशियम को। इसीलिए हमेशा ऊपर के परत को साफ करते हैं और फिर हम लोग आग लगाते हैं तो लग जाता है। यानी कि कारण ये हुआ कि हम लोग साफ क्यों करते हैं, तो मैग्नीशियम के ऊपर एक सफ़ेद रंग का पट्टी जम जाता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। कैसे लोहा में चित्ती का पकड़ना, वो ऑटोमेटिक आ जाता है ना, जिससे लोहा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, पुल वगैरह टूट जाता है, बांध टूट जाता है लोहे से बना हुआ, जानते हैं ना हम लोग। तो उसी तरीके से मैग्नीशियम के ऊपर भी क्या होता है, एक परत जम जाता है और वो परत मैग्नीशियम को जलने से रोकता है। यही कारण है कि हम उसे रगड़ते हैं। रगड़ते क्यों हैं, साफ क्यों करते हैं, क्योंकि वो उजला परत हट जाए और फिर हम आसानी से उसको जला सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए। उत्तर, यदि मैग्नीशियम रिबन को, यदि मैग्नीशियम रिबन को नमी के संपर्क में रखा जाए तो, नमी के संपर्क में रखा जाए तो मैग्नीशियम रिबन पर, मैग्नीशियम रिबन पर सफेद रंग की, सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो मैग्नीशियम को जलने में से, जो मैग्नीशियम को जलने से अवरोध पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, अतः अतः वायु में जलाने से पहले, अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। देखिए, हाँ ये बताना भूल गए थे कि जो मैग्नीशियम पे सफ़ेद रंग आता है, सफ़ेद रंग का एक परत जम जाता है, वो किसके वजह से, तो नमी के वजह से। नमी का मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर का सोर्स हो, ठीक है, अगर उसको नमी के संपर्क में रखा जाए, नमी का मतलब जहाँ पे जैसे आद्र वाले, क्या बोलते उसको, जहाँ पे थोड़ा सा पानी का अंश रहे उसको नमी कहते हैं, और उस नमी के संपर्क में अगर मैग्नीशियम आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जम जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सफ़ेद कलर का पट्टी जम गया, उसे हमें साफ़ करना ज़रूरी है, और हम लोग साफ़ करते हैं फिर उसको जलाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहे हैं, पहले लिखा जाए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में लिखें,
संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। देखिए, संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है और आपको तो पता है। तो दूसरा का जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड तो बुक में यही लिखा है। ठीक है, हालांकि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनेगा, जो जैसा कि लिखा हुआ है। सॉरी, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बुक में लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। हम आपको इसको अपने तरफ से बता दिए, ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है, आप बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, हाइड्रोजन को तो ऐसे H से सूचित करते हैं, लेकिन रिएक्शन में जब भी लिखेंगे H2 लिखेंगे। प्लस फिर लिखा हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम लोग Cl नहीं लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग HCl बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला याद रखिएगा, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसा कि अभी बताएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसी को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। अब जरा, अब तो ये हम लोग अपने तरफ से लिख लिए, अब इसको संतुलित रूप में लिखना है। तो संतुलित रूप में लिखना है तो हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2 ठो, यहाँ हाइड्रोजन कितना, 1 ठो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 ठो है तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब मिला लेंगे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन, तो इसलिए हम लोगों का पहला का ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे भाई, तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट फिर रिएक्शन करता है, मतलब कि ऐसे, उसके आगे मेरा जगह नहीं है, देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे उसके बाद है लिखा हुआ बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपका सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे करेंगे, तो इसका उत्तर लिखने के लिए आपको सबसे पहले सबका फार्मूला याद होना चाहिए, और जब कभी भी इन क्वेश्चंस को याद करेंगे आप तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला यहाँ पे लिखिए। तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, इसको हम लोग बेरियम क्लोराइड कहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, इसको एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये हुआ एल्युमिनियम सल्फेट। अब ये एल्युमिनियम सल्फेट हुआ जिसको बोलते हैं Al2SO4 का होल 3। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या, Al2SO4 का होल 3। अच्छा, फिर इससे क्या पता चल रहा है, इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला याद रखना पड़ेगा BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम का होता है AlCl3। देखिए, हम लोग 9th क्लास में फार्मूला बनाना सीखे थे कि किसी को हम लोग फार्मूला कैसे बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों को क्या बोल रहा था, ये जो सवाल है इसको आप संतुलित कीजिए। तो हम पहले इसका फार्मूला लिख लिए, बेरियम क्लोराइड का BaCl2 आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल 3, इसको होल पढ़ते हैं और फिर 3 या थ्राइस पढ़ते हैं इसको। फिर है, इससे रिएक्शन किया तीर का निशान बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का BaSO4
एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मिलाना है दोनों तरफ। बैरियम कितना है, यहाँ एक ठो, यहाँ पे बैरियम कितना है, एक ठो, चलो भाई ठीक ठाक है। Cl कितना इधर, दो ठो, इधर Cl कितना, तीन ठो, तीन ठो दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, Cl यहाँ पे कितना दे रहा है, तीन ठो ना, तो तीन ठो दिख रहा है, तो इसको अगर तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब तीन दूना का छ हो गया, तीन दूना का छ क्लोरीन, इधर तो तीन क्लोरीन, तो इसको दो से गुना कर दिए। ठीक है, क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम पहले मिलाया कि बैरियम कितना है भाई, एक ठो, तो यहाँ भी बैरियम एक ठो था। ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ क्लोरीन कितना अब हो गया, तीन से गुना किए तो तीन दुना का छ, और यहाँ दो से गुना कर दिए तो क्लोरीन तीन दुना का छ हो गया, तो क्लोरीन भी हो गया। अब एल्युमिनियम कितना, दो ठो, यहाँ एल्युमिनियम कितना, दो ठो, बहुत बढ़िया। सल्फ़र यहाँ तीन ठो, सल्फ़र कितना, तीन ठो, और ऑक्सीजन 12 ठो, सल्फ़र यहाँ एक ठो और ऑक्सीजन 4 ठो, तो इसको तीन से गुना कर दिए तो अब तीन गो बैरियम भी हो गया, तीन गो बैरियम हो गया, तीन गो सल्फ़र, तीन गो सल्फ़र, ऑक्सीजन 12 गो, ऑक्सीजन 4 ही 12, इसलिए हम लोगों को ये समीकरण संतुलित हो गया। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब सोडियम, सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, सोडियम को Na से सूचित करते हैं, और जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। अगर आपको याद नहीं है तो इन सारी चीज़ों को तो याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में और आपको उसको संतुलित करना है, तो जब उसका फार्मूला याद रहेगा तभी ना, फिर तीर का निशान मतलब कि समीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये हो गया। फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जैसा कि जानते हैं कि अकेले एच नहीं लिखा जाता है समीकरण में, H2 लिखा जाता है। अब आप मिलाएंगे कि क्या यहाँ पे हम लोगों को समीकरण संतुलित है या करना पड़ेगा, तो सोडियम कितना है, एक ठो, यहाँ पे भी एक ठो, चलो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन इधर कितना, दो ठो, और इधर हाइड्रोजन कितना, भाई गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन तो यहाँ दो और एक तीन हो गया, तो ऐसा करते हैं हाइड्रोजन में दो से गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन अब कितना हो गया, दो दूना का चार, यहाँ पे तो दो और एक तीन है, तो अब यहाँ पे भी दो से गुना कर दिए, तो यहाँ जब जैसे ही दो से गुना किए तो दो गो ऑक्सीजन हो गया, दो गो हाइड्रोजन हो गया, दो गो सोडियम, तो दो गो हाइड्रोजन यहाँ का और यहाँ का, तो टोटल क्या गो हाइड्रोजन, चार गो, इधर भी दो दूना का चार, ऑक्सीजन इधर कितना, दो ठो, इधर भी ऑक्सीजन दो ठो, इधर भी सोडियम दो ठो, लेकिन यहाँ सोडियम एक ठो, तो दो से गुना कर दिए, अभी हम लोगों को तीसरा का आंसर हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन तक के किया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा जाए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था में, ऐसे लिखिएगा, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था में संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि नीचे कुछ अवस्था दिया गया है, अवस्था का मतलब जैसे क्वेश्चन दिया है उसी अवस्था में संकेतों के रूप में, यानी कि उसको किस किस किस
किसके साथ लिखना है, तो संकेत, संकेत का मतलब उसका फॉर्मूला लिखना है, और इस तरीके से समीकरण देना है, समीकरण बनाना है, और इसके साथ साथ आपको संतुलित भी करना है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, बोल के लिखवा देते हैं क्या बोल रहे हैं। तो लिखा जाए, जल में पहला क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाती है, का अवक्षेप बनाती है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला बोल रहा है कि जल में अभिक्रिया कर रहा है। तो जल में अभिक्रिया कर रहा है इसका मतलब जल से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसमें जल में अभिक्रिया कौन कौन सा कर रहा है, देखिए बेरियम क्लोराइड और इसके साथ जल में अभिक्रिया एगो बेरियम क्लोराइड कर रहा है, एक ठो कर रहा है सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन और क्या बन रहा है, तो एगो बना रहा है बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों को संकेत, यानी कि उत्तर में ही हम लोग ये पहला का उत्तर लिखेंगे। तीसरा में दो क्वेश्चन है, सवाल क्या बोला वो तो लैंग्वेज बोला ना, उसी से हम लोग समीकरण लिखे। क्या बोला कि जल में, तो जल में से हमको कोई लेना देना नहीं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का विलयन देता है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अवक्षेप से हमें लेना देना नहीं है, वो सब ऐसे ही यूज करता है, हम लोगों को ऐसा करना है। अब इसको हम जरा बेरियम क्लोराइड का फार्मूला उसके नीचे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड का BaCl2, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला प्लस सोडियम सल्फेट का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा Na2SO4, ठीक है। फिर तीर का निशान सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl प्लस बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये हम लोगों का अभिक्रिया मिल रहा है। अब ये अभिक्रिया को ध्यान से देखना है कि इसे हम जो जो बोला था वो तो लिख लिए, अब इसको संतुलित भी करना बोल रहा है। तो बैरियम कितना भाई, एक ठो, तो बैरियम एक ठो। यहाँ क्लोरीन कितना है, दो ठो। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक ठो। क्या करेंगे, दो से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब सोडियम भी दो गो हो गया, तो सोडियम तो दो गो ऑलरेडी है। सल्फर एक ठो, सल्फर एक ठो। ऑक्सीजन चार ठो, ऑक्सीजन चार ठो। यही हो जाएगा हम लोगों को आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सवाल लिखा जाए। इसमें बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ब्रैकेट में लिखिएगा जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन
ब्रैकेट में जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, इसमें भी ब्रैकेट में लिखेंगे जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन उसका आंसर लिखा जाए। क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जल में, तो जल से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अभी हम लोग पढ़े ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, तो इतना लिख दिया। अब इसको फार्मूले के साथ हमें लिखना है नीचे। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, हर बार आपको फार्मूला तो याद रहना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, ठीक है, याद रह गया, प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम क्या बोले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहे या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड रहे, उसका फार्मूला HCl लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था तो H का फार्मूला HCl, ध्यान रहे HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं और इसी को हाइड्रो क्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो HCl, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला था तो HCl रख दिए, गिव्स क्या दे रहा है भाई, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, प्लस जल, तो जल का फार्मूला H2O। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरीके से हमें कुछ रिएक्शन दिख रहा है, NaOH, HCl, NaCl, H2O। अब यहाँ से आप देखिए कि क्या दोनों संतुलित है, सोडियम कितना भाई, एक, यहाँ भी एक, हाइड्रोजन कितना, एक और एक दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, क्लोरीन, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह संतुलित समीकरण है, यह संतुलित समीकरण है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने बीच का जो क्वेश्चंस था उसको पूरा पूरे तरीके से हम लोग पूरे क्वेश्चंस को कर लिए। तो आज के क्लास को यहीं तक हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।